हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.6 के बारे में, और 5.6 के अंदर हम देखने वाले हैं बेसिक्स ट्रायंगल के बारे में और ट्रायंगल की जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ट्रायंगल के बारे में पता नहीं होता कि ट्रायंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं। देखिए, ट्रायंगल्स को बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला हम देखेंगे एंगल के बेसिस पे, दूसरा साइड के बेसिस पे। और जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि ट्रायंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं उनके, उसके बाद ही आप नेमिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल्स को हमने किन किन साइड के बेसिस पे और एंगल के बेसिस पे हमें समझना होगा। देखिए, एंगल के बारे में आपने तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है कि एक्यूट एंगल क्या होते हैं, राइट एंगल क्या होते हैं, ऑब्स्टिट्यूट एंगल क्या होते हैं। सबसे पहले साइड के बेसिस पे हम बात करेंगे ट्रायंगल के बारे में, जिनमें तीनों साइड इक्वल होती हैं वो हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाते हैं। ये साइड, ये और ये तीनों इक्वल होंगी। जिसके अंदर दो साइड इक्वल होती हैं उसको हम कहते हैं आइसोसेलस ट्रायंगल, और जिसके अंदर कोई भी साइड इक्वल नहीं होती वो हमारा स्केलन ट्रायंगल कहलाता है। इसी तरीके से ऐसा ट्रायंगल जिसके एंगल्स हैज थ्री, जिसके तीनों एंगल्स है ना 90 से छोटे होते हैं, वो एक्यूट एंगल कहलाता है। राइट एंगल में क्या होता है, एक हमारा जो एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। ऑब्स्टिट्यूट में क्या होता है, एक हमारा एंगल ऐसा होना चाहिए जो 90 से बड़ा होना चाहिए, वो हमारा ऑब्स्टिट्यूट एंगल कहलाता है। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, क्योंकि हमें बेसिक चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। और ये बेसिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आप बड़ी क्लासेस में जाते हैं, वहां पे आपको समझना होता है कि किस तरीके चीजें वर्क कर रही हैं। और ये 7th से 8th, 8th से 9th और 10th तक भी जाते जाते बच्चों को पता नहीं होता ट्रायंगल्स के बारे में। अगर आप बेसिक चीजें समझते हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा, जिसमें जिसके अंदर हमने देखा कि यार एक लाइन थी, और जैसे ही आपने देखा कि लाइन सेगमेंट को हमने पढ़ा तो एक और जब दूसरी लाइन आ रही थी उसी पे, तो हमने देखा कि यार ये तो एंगल बन गया। और अब देखिए, दो साइडें हो गई आपके पास देखा जाए तो। जैसे तीसरी साइड आई, अगले स्टेप में तीसरी साइड आई, तो आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा कंप्लीटली एक ट्राइंगल बन गया। ओके, जब फोर्थ पार्ट आएगा तो वो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। चलिए, तो फिलहाल हम बात करते हैं कि ट्राइंगल लेंथेस के बेसिस पे कौन सा ट्राइंगल होगा। देखिए, इसके अंदर कोई भी साइड है जो इक्वल नहीं है तो वो कौन सा ट्रायंगल कहलाता है, हमारा कहलाता है स्केलन ट्रायंगल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो हमारा स्केलन ट्रायंगल है। स्केलन ट्रायंगल है फर्स्ट वाला क्वेश्चन। इसी तरीके से हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में, जिसमें देखिए कि कोई भी जो साइड है हमारी वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारा स्केलन ट्रायंगल है। क्योंकि स्केलन ट्रायंगल के बारे में हमने पढ़ लिया है कि स्केलन ट्रायंगल क्या होते हैं, जिसमें कोई भी साइड बिल्कुल इक्वल नहीं होती वो हमारे स्केलन ट्रायंगल कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड वाले क्वेश्चंस में। देखिए, पी क्यू, क्यू आर और पी आर तीनों हमारे इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं ये हमारा जो ट्रायंगल है वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये इसको आप लिख सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारा, तो आप लिख सकते हैं इक्विलेटरल है ये ट्रायंगल हमारा। इस तरीके से अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जिसमें कि ये 90 डिग्री का एंगल है। एक 90 डिग्री का अगर एंगल होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और इसी तरीके से अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें भी यहाँ भी राइट एंगल है और साइड इक्वल भी हैं, तो हम कह सकते हैं ये हमारा आइसोसेलस ट्रायंगल है, जिसमें कि दो साइड इक्वल है बिल्कुल और 90 डिग्री है, तो आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आइसोसेलस है ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे दो साइड बिल्कुल इक्वल है और राइट एंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर एफ के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि जितने भी एंगल्स हैं हमारे, सारे के सारे एंगल 90 से छोटे हैं। अगर वो 90 से छोटे होते हैं तो वो हमारे एक्यूट ट्रायंगल कहलाते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाते हैं। तो आप कह सकते हैं ये हमारे एक्यूट एंगल ट्रायंगल दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड के बारे में, जानने समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कौन सा एंगल होगा। देखिए, यहाँ पे आप एक बार और समझ सकते हैं सारे एंगल्स को। यहाँ पे जिसके तीनों साइड इक्वल होती हैं वो हमारा कौन सा ट्रायंगल कहलाता है, वो हमारा कहलाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसी तरीके से जिसके अंदर दो साइड इक्वल होती है वो हमारा कौन सा कहलाता है, वो हमारा आइसोसेलस ट्रायंगल कहलाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वो हमारा आइसोसेलस ट्रायंगल होगा, आइसोसेलस होगा। जो हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चन है वो हमारा आइसोसेलस होगा।
इसी तरीके से ऑल साइड आर डिफरेंट, जिसके अंदर पूरी की पूरी साइड डिफरेंट होती है, वो हमारा स्केलन कहलाता है। तीनों एक्यूट एंगल होंगे यानी कि 90 से छोटे होंगे तो वो हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा, उसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसी तरीके से अगर हम जिसके अंदर एक राइट एंगल होगा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा, जिसके अंदर एक ऑब्स्ट्यूस एंगल होगा वो हमारा कम्प्लीटली ऑब्स्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कहलाएगा, और वन राइट एंगल विथ टू साइड जिसके अंदर एक राइट एंगल होगा और दो साइड इक्वल होगी तो आइसोसेलिस राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन नंबर सेकंड था जिसके अंदर हमने देखा कि मैच द कॉलम के आंसर्स क्या होंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले टाइप्स के बारे में पढ़ा था और यहाँ पे कम्प्लीटली मैंने आपको पूरे के पूरे टाइप्स को डिस्कस किए थे, चाहे वो एंगल्स के बेसिस पे हो चाहे वो साइड के बेसिस पे हो।